सोल राइड गाइस एक बार फिर से आप लोग आ चुके हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। सो गाइस जैसा कि आप लोग को पता है कि हिमलैंड सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9 अपलोड हो चुका है स्मार्टी भाई के चैनल पर। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से अगर देख लेना, बाद में इस वीडियो को देखना। सो आज की वीडियो में आपको उसी वीडियो की कुछ हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि आप में से 90% बंदों ने नोटिस नहीं करी होगी। तो यार जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सो ज्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। नंबर 1, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करता हूँ, उसमें से आपको देखना है हिडन डिटेल मिली या फिर नहीं मिली। प्लानिंग करना कि हम लोग उस जेल को कहाँ पर बनाएंगे विजर्ड के लिए। और अरे क्यों मार रहा, पागल है क्या, क्या हो गया, व्हाट द हेक, अरे भाई कोई मार रहा है मेरे को। सो इस वाले सीन में आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जब स्मार्टी भाई को कोई इनविजिबल होकर मार रहा था तो पहले हिट में नीचे का स्टेयर भी टूट गया था, और इसमें कोई विचित्र बात नहीं है बिकॉज हिमलैंड्स में कुछ भी हो सकता है। और क्या आप लोगों ने वाली हिडन डिटेल नोटिस करी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस क्या लगता है आपको कि स्मार्टी भाई को कौन मार रहा था, बिकॉज जो भी स्मार्टी भाई को मार रहा था वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बंदा था, बिकॉज उसने एक ही हिट में स्मार्टी भाई को भी मारा था और नीचे का स्टेयर भी तोड़ दिया था। तो जल्दी से अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करो, और एंड में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि भाई स्मार्टी भाई को कौन मार रहा था। नंबर 2, तो इस वाले क्लिप में स्मार्टी भाई जब विजर्ड के लिए ट्रैप बना रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर कोऑर्डिनेट देखने के लिए अपना ये वाला मेनू ओपन किया था। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि उनका डे 0 दिखा रहा है, और डे 0 तभी होता है जब आप क्रिएटिव मोड में जाओ या फिर आप मर जाओ। तो स्मार्टी भाई अभी तक मरे तो नहीं है, बट क्या पता क्रिएटिव मोड में गए हो। और क्या ये वाली हिडन डिटेल आपने नोटिस करी थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, तो स्मार्टी भाई के इस वाले क्लिप में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि ऊपर आसमान में कोई बंदा उड़ रहा है। भाई वो कौन हो सकता है मुझे नहीं पता, बट भाई उधर कोई तो था, और शायद से आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी। और रही बात भाई स्मार्टी भाई को उस समय कौन मार रहा था, तो भाई एसजीओ भाई तो मार नहीं सकते बिकॉज गेम में वो फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे स्मार्टी भाई के साथ। एंड का स्मार्टी भाई ने खुद बताया कि उन्हें ड्रीम बॉय तो मार नहीं रहा था, बिकॉज अगर वो मारता तो स्मार्टी भाई इसलिए मर जाते, ड्रीम बॉय बहुत ज्यादा पावरफुल है इस टाइम। और मिस्टर फलान जी भी नहीं मार सकते बिकॉज मिस्टर फलान जी ने स्मार्टी भाई का हेल्प भी किया था। अब बचते हैं सिर्फ 2 बंदे, हुला लाला और विजर्ड। तो भाई मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई मार रहा था, बिकॉज इतनी पावर तो हुला लाला में है या तो विजर्ड में है। सो वक्त है एक नए अंदाज में भीख मांगने का। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी हद तक पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहते मुझको मौत का साया, सिर्फ किस्मत वाला ही बच पाया मुझसे, मैं क्रीपर रहा।